चाहे हारे तो जीते तो, और साइकिल वाइकिल छोड़ो, खुला वोट दो, हाथी कहीं है, जीते तो हारे तो। अगर अगर मायावती जी जीती हैं तो कहना बहुत काम करी हैं अपने समाज के लिए, और ये जीत जी हैं तो खाली आपका फ्री में खाली गल्ला दिया है, और गल्ला जो दिया है फ्री में यहाँ वो तुहिन से वसूल के दिया है। सुनो, मायावती जी के शासन काल में ऐसा रहा कि का नाम है जी के पास ज्यादा जमीन ही, उनका जमीन काट के गरीबों में बांट देते रही। वही का नाम है ये ना, वो उनके राज में गल्ला मिलता है, लेकिन गल्ला में खाली 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो बांटत रही, और अभी खाली बस 2 रुपया माफ किया। वो काहे माफ किया, तोहरे पैसा माफ किया है, टैक्स वाला लगाए। कब्भो कान में दूध दही चीनी आटा घी पर कभो टैक्स लगवा नहीं किया जिंदगी में, यहाँ अभी यह टैक्स लगाया है और जनता का एकदम बिल्कुल लूटे बहाया है। जितनी जनता है सब तो कतब का पगलवाया है। मोदी भैया रोजगार दें, मोदी रोजगार दें कि जो है डंडा लिए खेतन खा रहा और चूक जाओ तो खेत में हमारी जा रहे घर के मने जाने घर का मने जाने के बाद घर के क्या हो तो वो क्या चाप हो जाए लौट खाई सार में हमारा एक बना कोई तो हाथ 10 क्विंटल खाए तो कोई तुम्हें महीने में 20 किलो दी अब तक यही मोदी अब हर चीज पर टैक्स लगा दी 25 रुपए किलो आलू कब्बो नहीं रहा आज 25 रुपए किलो आलू खरीदा जा रहा 5 रुपए 5 किलो आलू खरीदा जा रहा अब वहाँ जाएंगे की 5-25 रुपए किलो ये किलो आलू अच्छा महंगाई मोदी का जोनो जोनो वैक्सीनिया लगवाई थी वो वैक्सीनिया मरत है आजकल, हार्ट अटैक आ जाते हैं मर जाते हैं। वो आबादी कम करना चाहता है, आबादी ज्यादा है। वही के खांसी खुना पहले नहीं आओ पूरा मुद्दा तक पी दी ना खांसी आप रहना कोई जगह बुखार हो रहा आप वो ला गई 4-5 साल 5 साल जब उनका करवाना निकाल दीजिए मर गए बेचारे। और जो निकालते अखिलेश कर्जा हम आपके कर्जा लग ना कुछ नाम आपके घोषणा पत्र में लिखवा नहीं कि नहीं खाली अलायन किया है कुछ नाम आपके जब जब सुनो सुनो बात जब 2012-17 में आया कितना कर्जा हम आपके को कर्जा कोई माफ कोई ने माफ की हिन ये खाली जो घोषणा में कर्जा माफ करे वाला हो सकता है कि कांग्रेस अगर जीत गई तो कांग्रेस माफ कर दे। अरे तो भी अब कांग्रेस के पलटे में ना करिए ये बाजी कांग्रेस से माफ की है कांग्रेस से माफ कर दे जा तो सुनो तो बात ही वो का नाम है वो राज्य सरकार के मामला ही तो का पूरे देश में कर्जा माफ करी है तो माफ करी है और वो वाला माफ कही ना पूरे खाली अपने उत्तर प्रदेश में माफ कही ना पूरा देश माना है माफ। तो मायावती जी का कहना जो हमारे सरकार ने उससे पहले हम कहना बिना अलाउंसमेंट कितना काम के बिना अलाउंसमेंट कितना काम के चार बार मुख्यमंत्री कुछ को ऐलाने नहीं कही ना तब इतना काम कह दी कुछ ऐलान के तो बहुत काम करती ये देखो वोट केवल मायावती के पास। अब गैस रहा 300 में मोदी आवा कितना 1100 में गैस कह दी, तेल कितना महंगा कह दी, घी सब कुछ महंगा किया जितना चीज सब महंगा किया है ऑल टोटल। और यहाँ और जब तुहार निशान छप जाए तब बटन छोड़ो कि हाँ कहे पर वोट दिन है तो निशान आ गए तब बटन छोड़ियो कोई चाहे जत्ता कहा करे चाहे जत्ता देर लागे हाँ अथी से झगड़ा कैलो भले लेकिन अपन बटन दागे रहो जब ऊपर फोटो का आ जाए देख लियो कि कौने पर डालम हाँ कौने पर वोट हमार पर ही है तब बटन मोबाइल निकाल के की कहो वोट मास दो वोट है दो वोट है।
जानते अपने यहाँ रही बाकी पहले बदिया था कहूँ नही रही पहले हमारे यहाँ आए हमारे यहाँ से तब पहले मनोने खाना बनी है के बाहर का चर्चा करती इनका डलवा है पहले पहले केबल करा दी इसकी कोई फिल्म न जलाओ अब केवल लगा कोई ऊपर बजाई पे कर दिया इनका कोई गरीब भी क्या तो कटिया बजाई कर दिया तो रह गया हां कोई कर लगा लिए थाने तो कोई कटिया ना फसाई लिए अब लोग कहां कर दिया फसाई लिए कुल के बिल होएगा अब रुपया दियो अब रुपया दे उधर जलाओ ना रुपया दियो तो अंधेरे में रहो और मट्टी तेल बांटक रहो यह सर जब रिचार्ज डलै हो तब एक महीना बिजली डलै हो और जब रिचार्ज खत्म हो तब बिजली जल बंद जैसे चार रोज पहले जैसे जो बिजली के बिल नहीं जमा की कमल फूल पर देख जाए कमल फूल पर तो कहीं तू जो है लोन खायो मोदी के अच्छा वोट दियो कमल फूल ऊपर यहाँ से कहा था लोना जी का खाते तहे तो लोनवा लोनवा उनका खायो आई तू गली जाई हो मिट जाई हो हम कहा मिट जाए कोई जा कहा ते मिट जाए मोदी मिट जाए तो हम लोन ना खाओ हम पैसा से मांगे नहीं जाए हां कहे सबका देखो तो हम हो गया सबका दिया था तो हम हो आए थे बाकी और कोई सेते नहीं लोन खाओ सेते नहीं खाओ हम तो पैसा दिए नहीं मोदी से थी कि हमें लोन ना दिया हमें गल्ला ना दिया वोट फॉर बीएसपी यानी मायावती को यहाँ पे सब लोग वोट देंगे और मायावती के बारे में भी हमें चर्चा इन लोगों ने की है पूरी तरीके से। और अब परसों जो हमारे यहाँ पे 20 तारीख को चुनाव है उसके लिए एकदम बिल्कुल सहमत हो चुकी हैं ये महिलाएं जो यहाँ पे अब दिख रही हैं और ये महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं बहन जी की रैली में जाकर और अभी सीधा वोट बहन जी को करेंगी। और यहाँ पर अभी चर्चा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में।